इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। मुख्यमंत्री के शहडोल दौरे के बीच 50 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। राहुल गांधी जिंदाबाद एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए काला झंडा दिखा रहे थे। हिरासत में लिए गए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पंडित रामकिशोर शुक्ला महाविद्यालय में रखा गया है। आज मुख्यमंत्री शहडोल जिले के व्यवहारी में तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाम्भास वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द करने एवं क्षेत्रीय समस्याओं व पुरानी घोषणाओं को लेकर काफी नाराज थे एवं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की खबर लगते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण कांग्रेस कार्यकर्ता व्यवहारी की ओर कूच कर रहे थे। आपको बता दें कि काफी दिनों से कांग्रेस पार्टी क्षेत्र में चल रही रेत खनन एवं चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी को लेकर समय समय पर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी लगे, जिला कांग्रेस कमेटी ने पूरी तैयारियों के साथ आज जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इंडियन टीवी न्यूज से शहडोल से ब्यूरो चीफ बीके तिवारी की रिपोर्ट। साथियों, आपने देखा किस तरीके से आज जब व्यवहारी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि घोषणा वीर से हमने जाने जाते हैं नाम से शिवराज सिंह चौहान, आज जब व्यवहारी है तो जब कांग्रेस ने जो उनकी पिछली मांग जो घोषणा कर गए थे वो अभी तक पूरी नहीं हुई, आज उन्हीं मांगों को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस सड़कों में थी तो शिवराज सरकार ने बीजेपी शिवराज सरकार ने पुलिस के बल प्रयोग कर उनके आज सभी को बस में बिठा करके और यहाँ कॉलेज में ले आकर रख दिया है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमें लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक और अधिकार नहीं है? सिर्फ कांग्रेसी जितने हैं यही पूछना चाहते थे कि आपने जो पिछली घोषणाएं की थी अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? आज जिस कॉलेज में लाके शिवराज सरकार ने यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा है, डिटेन करके रखा है, आज उसमें पीजी की घोषणा की थी तो नहीं हुई? आखिर कही जो छल कपट वाले जो झूठ के घोषणा भी है कंस मामा, उनसे पूछना चाहते हैं सभी कांग्रेसी, चाहे वरिष्ठ कांग्रेसी हो, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसए, सभी ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया जिनको आज गिरफ्तार करके लाया गया है। ऐसी तानाशाही कब तक चलेगी? कांग्रेस खुलकर इसका विरोध करेगी और सड़कों पे आगे और जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।